ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल सेंटेंस को समझाऊंगा किस तरह का होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक एक को समझेंगे, उसके डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, और लास्ट में हम कंपेरिजन करेंगे कि आखिर क्या फ़र्क है तीनों के दरमियान। देखिए दोस्तों, पहले मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद उसको फिट करते हैं डेफिनेशन पे। ही इज ए सिंगर, शी रीड्स अ बुक। देखिए दोस्तों, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो या एक फाइनाइट वर्ब हो, या एक सब्जेक्ट हो या एक प्रेडिकेट हो। अगर आप गौर करेंगे इस वाले सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो टेंस, नंबर और पर्सन के अतबार से खुद को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही इज है, अगर यहाँ पे यू होता तो यू आर हो जाता। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे ही वॉन्ट्स टू रीड और आई वॉन्ट टू रीड। तो ये देखिए आप, टू रीड ही रहा। जो जो चेंज नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट, और जो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट और पर्सन के अतबार से उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। यहाँ देखेंगे, शी रीड्स अ बुक, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। रीड्स अ बुक, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मैंने एक सेपरेट क्लास के अंदर आपको समझाया है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। और रीड्स अ बुक जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम तो प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये रीड्स अ बुक क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। यहां भी मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है, पहले एग्जाम्पल को गौर करते हैं। राम वॉज रीडिंग एंड सीता वॉज राइटिंग, द सन रोज एंड वी कुड सी एवरीथिंग। देखिए, जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मतलब ये कि दो सेंटेंस है, एक ही में दो सेंटेंस है, राम वॉज रीडिंग। तो ये राम वॉज रीडिंग एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और सीता वॉज राइटिंग एंड सीता वॉज राइटिंग, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एंड से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी एंड से जुड़े हो और दोनों कंप्लीट सेंटेंस हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग। तो अगर आप देखेंगे, आई एम टीचिंग यू आर लर्निंग, मैंने पूरा एक सेंटेंस बोला है, लेकिन कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दो सेंटेंस से मिलके बना हुआ है। आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, यहां देखेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस कैसे है? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ये सेंटेंस का भी वही हाल है, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप सीख रहे हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसे भी कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़े हो और दोनों एक ही बार बोले गए हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके दोस्तों, अब इस वाले सेंटेंस पे गौर करते हैं। द हंटर लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर एट द टाइगर। अगर आप गौर करेंगे, इसके अंदर तीन सेंटेंस है और तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द हंटर लिफ्टेड द गन, यानी शिकारी ने गन उठाया, टुक एम, निशाना बनाया और टाइगर पर हमला कर दिया, फायर कर दिया। तो अगर आप देखेंगे, इसके अंदर तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज है और तीनों अलग अलग मीनिंग के हैं, लेकिन बोले एक साथ गए हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहा जाता है, जो अपना माना खुद बताता हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका
कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। सेंटेंस मैंने लिखा, डू नॉट हैव मील अंटिल आई कम बैक, वी रिटर्न विद द सनसेट। अगर आप गौर करेंगे इसके अंदर दो क्लॉज है, डू नॉट हैव अ मील अंटिल आई कम बैक। अगर पहले सेंटेंस पर गौर करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल टू में वी रिटर्न, यहां अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ये कंप्लीट सेंटेंस है दोनों, यहां तक, ये यहां तक और ये यहां तक। विद द सनसेट अंटिल आई कम बैक, अगर आप इस दोनों पर गौर करें तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ये है क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये वाला जो है ना इस पर डिपेंड करता है, और ये मीनिंग अपना पूरा नहीं कर पाएगा, ये भी अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा जब तक इस सेंटेंस को ऐड न किया जाए। वी रिटर्न विद द सनसेट, यानी कि जब सूरज डूबता है तब हम लौटते हैं। तो डू नॉट हैव अ मील, खाना मत खाना जब तक कि मैं वापस ना लौट आऊं। तो ऐसा सेंटेंस जो खुद अपना मीनिंग पूरा कर दे उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं, और ऐसा सेंटेंस जो अपना मीनिंग दूसरे पर डिपेंड करे उसे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या होता है सिंपल, क्या होता है कंपाउंड। दोस्तों हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। यू आर अ बॉय, ठीक है दोस्तों, यू आर अ बॉय। अगर आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ये एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, या एक सब्जेक्ट हो या एक प्रेडिकेट हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, दो तरह का सेंटेंस होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होता है और दोनों पर डिपेंड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। अगर आप देखेंगे आई एम टीचिंग एक सेंटेंस है और यू आर लर्निंग एक सेंटेंस है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम सीख रहे हो। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इस ऐसे सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं, जो अपना मीनिंग खुद दे देते हैं। इसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिए जिसमें पहला सेंटेंस क्या होता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जबकि दूसरा सेंटेंस ये पहले भी हो सकता है कई बार, यानी कि अंटिल आई कम बैक डू नॉट हैव ए मील, तो पहले कोई भी हो सकता है, नहीं जो अपना मीनिंग पूरा देगा उसी को हम कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। जबकि दूसरा वाला जो अपना मीनिंग पूरा नहीं देता है, पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड होता है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से तीनों तरह के सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत आसान था, मैंने तीनों को दो दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए, और आपको उसके सामने मैंने कंपैरेटिव करके दिखाया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सिंपल साधारण सा एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, इसके अंदर दो सेंटेंस अलग अलग करके होते हैं और एंड से जुड़े होते हैं। ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। बात समझ आएगी दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।